हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिमांशु त्रिवेदी आर्ट। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब मैंने अपने एनिमेशन का करियर स्टार्ट हुआ किया था और जब मैं एनिमेशन लाइन में घुस रहा था, तो दो बुक जो है मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे ख्याल से जिन्होंने एनिमेशन इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और जो लोग करना चाहते हैं, तो उनकी लाइफ में दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इल्यूजन ऑफ लाइफ और रिचर्ड विलियम की एनिमेशन सर्वाइवल किट। तो मैं पुरानी यादें मैं ताज़ा कर रहा हूँ, उन्हीं को मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं अपनी दोनों बुक्स आपको दिखाता हूँ। आइए मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देता हूँ कि मेरी ये दो बुक्स किस तरीके से हैं। तो ये जो दो बुक हैं मेरी लाइफ की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बुक हैं, रिचर्ड विलियम एनिमेशन सर्वाइवल किट और इल्यूजन ऑफ लाइफ, फ्रैंक थॉमस एंड ऑली जॉनसन। ये मतलब जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग एनिमेशन लाइन में हैं पहले से हैं, उनको इन दोनों की बुकों के बारे में बहुत ही नॉलेज होगी, पता भी होगा कि ये लाइफ की आपकी एक क्रिएटिव लाइफ में ये बुक्स कितना इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो ये मैंने क्या नाम है फोटो कॉपी खुद से की थी। एक मेरी फ्रेंड है, उनकी उसमें लैब में जाके मैंने खुद से फोटो कॉपी की थी। इनमें किस तरीके से डिज्नी एनिमेशन काम करता है वो पूरा इसमें सारा कुछ है, कि कैसे एक्टिंग होती है, कैसे शूट होता है, कैसे कैरेक्टर डिजाइन होते हैं, एनिमेशन फिल्म बनती कैसे, सारा इसमें भी बताया गया हुआ है। तो ये पूरी बुक मैंने लगभग पढ़ी हुई है और मुझे आइडिया भी है। और ये बुक है एनिमेशन सर्वाइवल किट, जिसकी मैं बात करूँगा। इसमें गेम्स कैसे डिजाइन होते हैं, स्टॉप मोशन कैसे होता है, क्या नाम है कंप्यूटर एनिमेशन कैसे होता है, क्लासिकल एनिमेशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है। आपने ये कैरेक्टर देखे होंगे और वाकई में बहुत ही ट्रेमेंडस बुक है ये, बहुत ही अच्छी बुक है। कीज क्या होती हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, आईबीज क्या होती हैं, ये सारा कुछ इस बुक में आपको पता लगेगा। वैसे अगर आप कभी कभी देखो ना, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही किस तरीके से एनिमेटर्स काम करते थे और किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था। कि इसमें देखिए यहाँ पे बताया भी है कि एक्सट्रीम इन बिटवीन एक्सट्रीम क्या होते हैं, सारा कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग समझाया हुआ है। किस सन में एनिमेशन स्टार्ट हुआ था, उस समय एनिमेटर्स की सिचुएशन क्या थी, किस सिचुएशन में हम लोग एनिमेशन करते थे, तो ये सब चीज़ें ना इस बुक में पूरा पूरी तरीके से समझाया गया है। कि एक्शन कैसे होते हैं, क्या टाइमिंग होती है, देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन है कि इन बिटवीन क्या है, उसके बाद में कितना डिस्टेंस होता है, ये सारा कुछ इन दोनों बुक में इतनी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि अगर कोई अच्छे से करना भी चाहे तो बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर सकता है। और मेरे पास तो वाकई में, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एनिमेशन बुक्स और एनिमेशन बुक्स के अलावा अलावा बहुत सारी बुक्स का मेरे पास कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। और यहाँ ये देखिए, मैंने जब चालू किया था, मैंने लाइट बॉक्स पे ही स्टार्ट किया था। मैंने अपनी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने इन बिटवीन आर्टिस्ट लगा हुआ था, देन क्लीनअप आर्टिस्ट हुआ, फिर उसके बाद मैं एनिमेटर हुआ। तो मैंने लाइट बॉक्स पे भी काम किया है, अब तो लोग फ्लैश में एनिमेशन सीसी में काम करते हैं। तो मुझे हर एक चीज़ का आइडिया है कि किस तरीके से करते हैं, पूरी वॉक साइकिल कैसे होती है, कैसे क्या करते हैं, ये सारा कुछ। मतलब मेरा एक ग्रुप था जिसमें हम सारे लोग मिलकर काम करते थे। और मुझे याद है कि मैं स्केचिंग करने के लिए हम लोग स्टेशंस पे जाया करते थे। तो ये वही कह रहा हूँ कि इसमें इस बुक्स में आप देखोगे ना, इस बुक्स में आपको सब कुछ मिलेगा, एक्सप्रेशन एक्सट्रीम बैकग्राउंड एक्सट्रीम, इस बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें। और जो लोग अपना एनिमेशन लाइन में करियर बनाना चाहते हैं और सोच रहे बनाने के लिए, मैं ये दोनों बुक्स उनको अच्छे से रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इन बुक्स को, दोनों को बुक्स को अगर खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, या किसी फ्रेंड के पास हैं तो आप फोटो कॉपी करा लीजिए। तो इसमें पूरे जितने भी डिज्नी के जितने भी एनिमेटर थे, उनकी पूरी लाइफ के बारे में इनमें लिखा हुआ है, किस तरीके से स्टार्ट किया उन्होंने, किस तरीके से उनका नेचर कैसा था, अगर जिस हिसाब से नेचर था उनको, वो उस तरीके से कैरेक्टर भी डिजाइन करते थे। बहुत कुछ है इन बुक्स में पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जब आप किसी की लाइफ को पढ़ते हो तो आपको समझ में आती है चीज़ें कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। तो ये पूरी बुक जो है ना एनिमेशन, उस पर डिपेंड है उस समय की कैमरा कैसे होता है, देखिए मल्टीपल कैमरा है, कैसे होता था शूट, वो पूरा सब कुछ इसमें बताया हुआ है कि लाइट बॉक्स कैसे होता था, एग्जॉस्ट कैसे होता था, ओवरले कैसे होता था, सब कुछ हर चीज़ इसमें बताई हुई है। और फिल्म के बारे में भी बताया हुआ है,
कि किस तरीके से होता था, और उस समय लाइव जो है फोटोशूट होता है, पहले ड्रामा होता था देन करेक्टर डिजाइन होता था, तो आप देख सकते हो कि पहले लाइव शूट हुआ है फोटोग्राफी और उसके बाद जो है उसको जो है कैरेक्टर दिया गया। तो ये बुक्स जो है ना बहुत ही हेल्पफुल हैं, और बैम्बी मूवी किसने नहीं देखी होगी, इस उसके बारे में भी है बहुत कुछ है इसमें। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग ये, अगर आप लोग चाहते हैं एनिमेशन लाइन में जाना और पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये दोनों बुक रिकमेंड करूँगा कि ये आप दोनों बुक इल्यूजन ऑफ लाइफ और ये एनिमेशन सर्वाइवल किट, दोनों बुक्स जो है ना आप लोग लीजिए और इनके बारे में पढ़िए। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, और इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए। तो ये मेरी पुरानी बुक्स की जर्नी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि है, वैसे मेरे पास कलेक्शन बहुत है बुक्स का, ये मेरी दोनों बहुत ही फेवरेट बुक है, और इसी तरीके से आप मेरा चैनल देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए।